कर दो, हम इसके साथ जो चाहें सुलूक करें। या मोहम्मद नए दिन से ला ताल्लुकी और आइंदा इसकी तबलीग ना करने का ऐलान करें। अबी तालिब सबको मुखातिब करते हुए कह रहे हैं, मैं मोहम्मद को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ। ये सुनकर सब पर सन्नाटा छा गया है। बनी हाशिम शेप से निकले हैं तो इन सब का बुरा हाल है, सबके रंग जलकर स्याह हो चुके और जिस्म की हड्डियां बाहर निकल आई हैं। आज का उन्वान, इस नबी को हम कयामत तक नहीं मानेंगे। शेबे अबी तालिब का मुश्किल वक्त गुजर तो गया लेकिन कई और मुसीबतें खड़ी कर गया है। इस अरसे में बनी हाशिम बीमारी की सूरत में दवा और इलाज से भी महरूम रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का बाप जैसा चचा पिछले 3 साल में जिस हिम्मत का मुजाहिरा करता रहा है, उसने सारे कबीले को हौसला दिए रखा। अबी तालिब 85 साल की उम्र में भूख प्यास परेशानी, रसूलुल्लाह की हिफाजत और छोटे बच्चों के लिए मुश्किल वक्त से लड़ते रहे हैं। हिम्मत का पहाड़ तो इस सब पर खुश है कि मेरा भतीजा खैरियत से है। अबी तालिब ने रसूलुल्लाह को पास बुलाकर मोहब्बत से अपने करीब बिठा लिया है। रसूलुल्लाह से कह रहे हैं, बेटा जब मैं मर जाऊं तो तुम यस्रब में बनी नजार में अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के और अपने ननिहाल के पास चले जाना, वो अपने लोगों की सबसे ज्यादा हिफाजत करने वाले हैं। शेब से वापस आकर अबी तालिब बीमारी से उठ नहीं सके और तकरीबन 8 महीने बाद शाबान 10 नबवी को वफात पा गए हैं। अबी तालिब को मक्का में हुजून में दफन किया गया। रसूलुल्लाह और चचा का साथ 42 साल तक कायम रहा। रसूलुल्लाह का बचपन, जवानी, शादी, कारोबार, ऐलाने नबुवत और इसके बाद कुरैश की तरफ से बुरा सलूक, ये सब इन दोनों ने साथ ही देखा है। रसूलुल्लाह ने अबी तालिब को कभी बाप से मुख्तलिफ नहीं पाया। मुश्किल वक्त में रसूलुल्लाह ने भी बेटों की तरह अबी तालिब की मदद की और हिम्मत बढ़ाई। अभी चचा की वफात को कुछ दिन ही गुजरे हैं कि रसूलुल्लाह पर सबसे पहले ईमान लाने वाली सैयदा खदीजा 10 रमजान 10 नबवी यानी 619 ईस्वी को अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। वो खदीजा जिन्होंने अपनी जिंदगी रसूलुल्लाह के लिए वक्फ कर दी, रसूलुल्लाह का दस्तो बाजू बनी, मुश्किल तरीन हालात में रसूलुल्लाह का साथ दिया, अपने मालिक से जा मिली हैं। रसूलुल्लाह को इन दो प्यारी हस्तियों की वफात का बहुत सदमा है। आपने इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया है। सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह पर उस वक्त ईमान लाईं जब दूसरे लोगों ने इनकार किया, रसूलुल्लाह की उस वक्त तस्दीक की जब लोगों ने रसूलुल्लाह को झुठलाया, रसूलुल्लाह को उस वक्त हौसला दिया जब अल्लाह के कलाम के जलाल से रसूलुल्लाह घबराहट का शिकार थे, रसूलुल्लाह के अखलाक और हुस्न सुलूक की गवाही दी और जिंदगी भर उनका साथ निभाया। जिब्राइल उनके लिए अल्लाह का सलाम लेकर हाजिर हुए। सैयदा खदीजा को रसूलुल्लाह की पहली बीवी और ईमान लाने वालों की पहली माँ यानी उम्मुल मोमिनीन होने का एजाज हासिल है। जब तक सैयदा खदीजा हयात रही, रसूलुल्लाह ने दूसरा निकाह नहीं किया। सैयदा खदीजा 25 साल तक रसूलुल्लाह के निकाह में रही।
इब्राहिम बिन मोहम्मद के अलावा रसूलुल्लाह की सारी औलाद सैयदा खदीजा से ही पैदा हुई। रसूलुल्लाह खुद कब्र में उतरे हैं, अपने हाथों से सैयदा खदीजा को कब्र में उतारा है। सैयदा खदीजा मकामे हुजून यानी जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान मक्का में दफन की गई हैं। रसूलुल्लाह ने कहा, मरियम बिनते इमरान यानी अल्लाह के नबी ईसा की वालिदा और खदीजा बिनते खुवैलद अपने अपने ज़माने की बेहतरीन औरतें हैं। रसूलुल्लाह को जिस्मानी तकलीफ़ों के अलावा अखलाकी एतबार से भी बहुत तंग किया जाता है। रसूलुल्लाह मक्का की गलियों से गुजर रहे हों तो आवाज़ें कसी जाती हैं। कोई कहता है ये किसी मजनून का शागिर्द है जो इसे उल्टी सीधी कहानियां सुनाता है और ये सुनकर हमें सुनाता रहता है। कोई कहता है मोहम्मद आज आसमान से कोई नया हुक्म नहीं आया। कोई यूं दिल दुखाता है, खुदा को रसूल बनाने के लिए तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिला। नुबैया और मुनब्बा बिन हज्जाज कहते हैं, हम जैसे मालदार सरदार बेटों वाले और होशियार लोग मौजूद हैं, मगर अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, प्यारे रसूल आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया, मैंने ऐसे इनकार करने वालों को मोहलत दी लेकिन उन्होंने इस मोहलत से फायदा नहीं उठाया और अपनी रविश पर कायम रहे। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैंने उन्हें गिरफ्त में ले लिया, अब भी ऐसा ही होगा। आप देख लें कि मेरा अजाब कैसा सख्त था। मैं कुरैश का सरदार, सबकी नजरों में इज्जतदार, मालो दौलत में भी मोहम्मद से बेहतर हूँ। क्या मेरे होते हुए मोहम्मद पर वही आ सकती है? मैंने जादूगरों साहिरों काहिनों शायरों मजनूनों को देखा और उनकी बातें सुनी हैं। मोहम्मद में उन जैसी कोई बात नहीं है। जब इन पर हमारी आयात तिलावत की जाती हैं तो वो तंजिया अंदाज में कहते हैं, हमने सब कुछ सुन